मैं फरिंद कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। अभी पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस की आग लगी हुई है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार और जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली के द्वारा विद्यालय, सिनेमाघर, मॉल, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा की कार्रवाई भी कोरोना वायरस के लेकर स्थगित कर दी गई। लेकिन मोरवा में अंबेडकर विद्यालय संचालित है, जहाँ कि बच्चे आकर परीक्षा भी दे रहे हैं। इस संबंध में मैं विद्यालय प्राचार्य से भी बात करूंगा और उनका भी पक्ष जानना चाहूंगा। आपका शुभ नाम? मथुरा प्रसाद। किस विद्यालय के प्राचार्य हैं आप? अंबेडकर विद्यार्थी गंडी स्कूल सिंगरौली। मध्य प्रदेश सरकार एवं जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली के द्वारा सभी विद्यालय बंद करने की 31 मार्च तक आदेशित किया गया है, लेकिन आपकी विद्यालय संचालित हो रही है, किसके आदेश से संचालित हो रही है? मुझे कोई भी सूचना मीडिया चैनल या मैं नहीं, जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक और ना ही प्रिंट मीडिया के द्वारा मैं नहीं देख पाया और ना ही मुझे जानकारी मिल पाई। और जो है परीक्षा की टाइम टेबल पूर्व से घोषित थी, परीक्षा यदि स्थगित हो जाएगी, हमको नहीं पता है कि हमको स्थगित करना है यदि बच्चे हम कहाँ ढूंढेंगे, और जो है परीक्षा संचालित की जा रही है। व्हाट्सएप, प्रिंट मीडिया सभी के माध्यम से, यहाँ तक कि इस मोरवा नगर में सभी विद्यालय बंद हैं, प्राइवेट से लेकर शासकीय विद्यालय तक भी बंद है। लेकिन आप अभी बता रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं हुई, एक आप प्राचार्य होते हुए शासन के आदेश आपको जानकारी नहीं हो रही है, एक क्या? मुझे जानकारी नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। ये कहना था मेरा कि देखिए, देश भर में कोरोना वायरस का काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है, जिसको लेकर एहतियातन मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने तमाम कॉलेज स्कूल्स को बंद करा के रखे हुए हैं, और हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर पे इसका अच्छे खासे तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इसके बाद भी यदि आपको विद्यालय में इसकी जानकारी नहीं हो रही है, और इसके शिक्षा विभाग से भी इसका पत्र हर विद्यालयों को जारी किया गया, कलेक्टर के द्वारा इसको सूचित किया गया है सारे पूरे ज़िले में, तो उसमें क्या कहेंगे आप? यदि 5वीं 8वीं और 10वीं 12वीं के बच्चों को कोरोना वायरस नहीं होगा तो क्या आंतरिक परीक्षा हो रही तो उनको कोरोना वायरस हो जाएगा? खाली उन्हीं भर को 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं सरकार संचालित कर रही है, तो इन्हीं भर को क्यों बंद कर रही है गवर्नमेंट? क्या इन्हीं भर से दुश्मनी है बच्चों से? तो क्या आप सीधे गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट का आरोप है, क्योंकि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं भी बंद कर दी जाती तो ये भी बंद कर दी जाती। तो अभी आपने सुना, इन प्रचार महोदय के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और मध्य प्रदेश सरकार का भी आदेश कोई मायने नहीं रखता है। इन्होंने खुला मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया और बोला कि केवल माध्यमिक और बोर्ड के ही परीक्षाएं संचालित क्यों की जा रही है। तो आपने सुना अभी प्रचार महोदय के, चलिए आगे और आपको बात कराते हैं। अभी हम कक्षे में खड़े हैं और बच्चों से भी बात करेंगे, वो किस विद्यालय के बच्चे हैं और किस कक्षा के बच्चे हैं। क्या आपका परीक्षा था आज? नहीं, हस्तकला था। अच्छा, हस्तकला देने आई हैं जी। और इस विषय में दूसरे भी बच्चियों से जानना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? साहिल। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th। आपके विद्यालय का नाम क्या है? आप कोरोना वायरस के बारे में आपको जानकारी है? कितने दिन से रोज क्लास में आप आ रही हैं? आज आए सर हस्तकला। क्यों, कल भी तो आए थे आप? नहीं आए थे। आप? पूजक है। कल आई थी विद्यालय? कल विद्यालय आई थी? आप चुप रहिए ना सर, कल विद्यालय आई थी आप? तो देखिए, प्रचार के खड़े होने से विद्यालय के बच्चे भी बताने में हिचकिचा रहे हैं। तो इस तरह से प्रदेश के भी आदेशों की अवहेलना हो रही है, जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के खुलेआम धजिया इस विद्यालय में उड़ाई जा रही है। और खुला चैलेंज प्रचार ने कहा है कि शासन खुद दो रंग की व्यवहार कर रही है, बोर्ड को परीक्षा करवा रही है और बच्चों को नहीं, आखिर क्यों? तो चलिए, आप पोल खोल पोस्ट देखते रहिए। धन्यवाद।
चलते चलते एक चीज बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। साथ ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर पोल पोल पोस्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिससे नई अपडेट आपको तुरंत मिले। साथ ही आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारा जो है FM रेडियो जल्द चालू होने जा रहा है। धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।